Shri Education. नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का श्री एजुकेशन की तरफ से। दोस्तों ये तीसरा लेक्चर है टाइम एंड वर्क के, जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क के, उसका ये तीसरा लेक्चर है। समय और कार्य जो हम पढ़ रहे हैं उसका ये भाग तीन है। इसमें हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे। अब तक हमने दो वीडियो अपलोड कर दिए हैं, ये पूरे वीडियो हिंदी में है, क्वेश्चन भी हिंदी में लिखे हैं। तो अब तक हमने देखे जो टाइप के क्वेश्चन, दो टाइप के जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हमने अपलोड किया। यहाँ पे हम देखेंगे तीसरे टाइप का क्वेश्चन जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है वो हम सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। बताने से पहले मैं आपको बता दूं, हमने आपको क्वेश्चन दिया था लास्ट क्लास में, हमने आपको बोला था आपको खुद सॉल्व करना है, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट बॉक्स में आंसर लिखा है और सबने लगभग सही आंसर बताया है। तो इसका आंसर था 40 दिन। आंसर क्या था? 40 दिन। तो जिन्होंने पहले जो आंसर लिखा था, जिन्होंने सबसे पहले आंसर सही बताया था उनका नाम है विकास कुमार। दूसरे नंबर पे जिन्होंने आंसर बताया था उनका नाम है नीरज गुलिया। और तीसरे नंबर पे जिन्होंने आंसर बताया था उनका नाम है अमन राठौड़। और चौथे पे अंजुमन ने सही आंसर बताया था। और पांचवे पे प्रदीप सैनी ने सही आंसर बताया था। तो ये 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने सबसे पहले आंसर बताया था, इसलिए मैंने इनका नाम बताया। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं मगर इतना टाइम ना होने की वजह से मैं केवल 5 स्टूडेंट्स का नाम ले रहा हूँ। इसमें भी मैं क्वेश्चन दूंगा इस वीडियो में, इसको भी आपको सॉल्व करना है। जो सबसे पहले सॉल्व करेगा मैं उसको अगली क्लास में बताऊंगा इन्होंने सही आंसर दिया है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले जो स्टूडेंट नहीं कर पाए थे वो देख लें जल्दी से। एक आदमी और एक औरत मिलकर कार्य करते हैं 8 दिन में। मैन और वुमेन जो है कार्य करते हैं 8 दिन में, जबकि मैन अकेला करता है तो 10 दिन में करता है। हमने आपको बताया था यहाँ पे अगर डिफरेंट हो जाए, मतलब मैन दिए हो, वुमेन दिए हो और बॉयज दिए हो, उनके दिए हो कि उन्होंने इतने दिन में काम किया है, चाहे वो मिक्स हो चाहे वो इंडिविजुअल हो, तो आपको कुछ नहीं करना, टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क इनका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम इनका क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा। अब मैन प्लस वुमेन, आदमी और औरत दोनों मिलके 8 दिन में काम करती हैं और टोटल काम है 40, मतलब 40 टॉफियां खानी है। मान लिया टॉफी खानी है या कुछ भी काम करना है यार, तो 40 टॉफी खानी है 8 दिन में खानी है। तो एक दिन में कितनी खाएंगे बच्चों? ये 5 टॉफी खाएंगे हर रोज, तब जाके 8 दिन में खत्म हो जाएंगी। अब आदमी जो है वो अकेला 10 दिन में टॉफियां खा जाता है 40, तो इसका मतलब एक दिन में कितनी टॉफी खाएगा? एक दिन में 4 टॉफी खाएगा तभी तो खत्म होगा। मैन अकेला एक दिन में 4 टॉफी खाता है, मैन और वुमेन 5 टॉफियां खाते हैं, तो मतलब एक टॉफी एक्स्ट्रा है ना। एक टॉफी मतलब वुमेन कितनी टॉफी खा रही है? एक टॉफी खा रही है हर रोज, और 40 टॉफी उसको खानी है, कितने दिन में खाएगी? 40 दिनों में। तो आंसर क्या जाएगा? 40 दिनों में। तो टोटल काम आपको निकालना है दोस्तों, ठीक है। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आए, इस टाइप का या कोई भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए समय और कार्य में, आपको टोटल वर्क निकालना। मैं आपको बताता रहूंगा अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करवा के कि टोटल वर्क कैसे निकालते हैं। यहाँ आप सीख गए हैं, अगर अलग अलग पर्सनैलिटी दी हो तो उनका जो एलसीएम ले लेंगे वो हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। अब एक ही तरीके के आदमी हो, आगे क्वेश्चन करेंगे हम, उनमें हम टोटल वर्क कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर दिया जाना था। किसी कार्य को, मतलब मान लिया बिल्डिंग बनानी है या टॉफियां खानी है, उसको 20 दिनों में समाप्त कर दिया जाना था, किंतु 4 मजदूरों को नहीं आने की वजह से, किंतु 4 मजदूरों के नहीं आने की वजह से जो कार्य है वो 24 दिनों में समाप्त हुआ है। 20 दिन में समाप्त होना था, 4 दिन लेट हो गए, 24 दिनों में समाप्त हुआ है। आरंभ में मजदूरों की संख्या क्या थी? दोस्तों अब देखिए यहाँ पे मजदूर है, केवल एक ही टाइप के मजदूर है ना यहाँ पे, तो टोटल काम निकालना है यहाँ पे आपको। तो क्या करना है? मजदूरों की संख्या और दिनों की संख्या, मजदूरों की संख्या और उनके द्वारा जो दिन लिए गए हैं उस काम को करने के लिए, उनको मल्टीप्लाई करके आप टोटल कार्य निकाल सकते हैं। अभी हमें मालूम नहीं है कितने मजदूर लगे थे स्टार्टिंग में ना, तो कितने मजदूर फिक्स किए गए थे स्टार्टिंग में, मैंने मान लिया N मजदूर फिक्स किए गए थे और उन्होंने कितना टाइम लिया? 20 दिन लिए हैं, तो ये समाप्त कर सकते थे। अगर 20 दिन लेते N मजदूर तो ये समाप्त कर सकते थे।
तो 20 इंटू एन ये क्या हो जाएगा, टोटल काम मान लेंगे। टोटल काम यहाँ पे कैसे निकालना है आपको, नंबर ऑफ मजदूर इंटू टोटल उनके द्वारा लिया गया टाइम, ये टोटल काम हो गया। तो 20 इंटू एन क्या हो गया, टोटल काम हो गया। मगर देखिए हुआ क्या, जो मजदूर लगे वो कितने हैं, चार मजदूर कम लगे, मतलब एन माइनस चार मजदूर लगे हैं, और उन्होंने टाइम कितना लिया है, 24 दिन। हमने बताया नंबर ऑफ मजदूर इंटू उनके द्वारा लिया गया टाइम, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, टोटल काम। जो टोटल काम है और जो पहले वाला टोटल काम था दोनों एक ही है ना, क्योंकि काम तो खत्म करना था पहले 20 दिन में, अब 24 दिन में किया, तो दोनों एक ही कार्य हैं, तो हमने बराबर इसलिए किया। अब ये कट जाएगा 5 और ये 6, तो ये 5n इज इक्वल टू 6n माइनस 24, तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 24। तो इसका मतलब स्टार्टिंग में मजदूर कितने थे, 24 मजदूर थे। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। देखिए टोटल काम निकालना है, आदमी ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, तो एलसीएम करेंगे। अगर एक ही आदमी दिया है और वो दिया है उसका नंबर बढ़ा दिया, मतलब मजदूर दिया है, ए मजदूर दिया है और बता दिया 10 मजदूर है, 20 मजदूर है, तो उनके नंबर ऑफ मजदूर इंटू उनके द्वारा लिया गया टाइम, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, अब उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। मान लिया पहले जो वो थे वर्कर, एन लगाए गए थे और टोटल दिन कितने लिए उन्होंने, 20 दिन लेते, काम पूरा हो जाता, तो 20 इंटू एन क्या हो जाता, टोटल वर्क हो जाता। ये मैंने तुक्का नहीं मारा है, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे 10 मजदूर है, मान लिया क्या है 10 मजदूर, मान लिया 24 आंसर है ना, तो 24 मजदूर मैंने माना है। तो अगर एक मजदूर एक दिन में एक टॉफी खाता है, तो 24 मजदूर एक दिन में कितना टॉफी खाएंगे, 24 टॉफी खाएंगे ना, तो 20 दिनों में कितनी खा जाएंगे, 24 इंटू 20, तो ये टोटल टॉफी हमने मान ली, ये टोटल काम मान लिया, सिंपल हो गया ना। तो इसलिए अज्यूम करते हैं ताकि आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको कोई भी फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं रटना है, कि ये M1 ये सब नहीं रटना है, ठीक है, कोई भी फॉर्मूला नहीं रटना है, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे, तो सॉल्व हो जाएंगे। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45 व्यक्ति किसी कार्य को 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। देखिए 45 व्यक्ति हैं, किसी काम को 16 दिन में करते हैं, तो ये 45 गुणे 16 कर दिए, क्या टोटल काम आ गया, बहुत इजी हो गया। अब उसके बाद क्या कह रहा, कार्य आरंभ होने के 6 दिन बाद, इतना तो टोटल काम हो गया। अब टोटल काम 45 इंटू 16, अब ये क्या कह रहा है, कार्य आरंभ होने के 6 दिन बाद, कार्य आरंभ हो गया, पहले 45 दिन लगे हैं, 45 व्यक्ति लगे हैं, उन्होंने काम किया 6 दिनों तक, तो 45 इंटू 6 इतना काम खत्म हो गया है, प्लस उसके बाद 30 व्यक्ति और जुड़ गए, 30 व्यक्ति जुड़ गए तो कितने हो गए, 75 हो गए हैं, और अब काम जो है कितने दिनों में समाप्त तो हो जाएगा ये पूछा गया। मैंने मान लिया 75 व्यक्ति जो है वो एन दिन और लगाते हैं, 75 व्यक्ति जो टोटल हो गए वो एन दिन लगाते हैं, ये टोटल काम खत्म हो गया, टोटल काम क्या था, इतना था, तो इसके बराबर कर दिया 45 इंटू 6 प्लस 75 इंटू एन, ये इधर जाएगा, तो 45 कॉमन आ जाएगा, 16 माइनस 6 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू 75 इंटू एन हो जाएगा, और ये 15 3 45 हो जाएगा, 15 5 75 हो जाएगा, 5 2 10 3 2 6 n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 दिन और लगेंगे। शेष कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, 6 दिनों में पूरा हो जाएगा। ये कितना इजी क्वेश्चन हो गया, 45 व्यक्ति 16 दिन में पूरा कर सकते थे समाप्त, तो 45 इंटू 16 टोटल काम हो गया। देख लीजिए कैसे, एक दिन में एक टॉफी एक व्यक्ति खाता है, तो 45 व्यक्ति 16 दिन में इतनी टॉफी खा जाएंगे। अब स्टार्टिंग में क्या हुआ, 6 दिनों तक टॉफी खाई, 45 इंटू 6 इतनी टॉफी खत्म हो गई, बाकी बची कितनी है, बाकी बच्चे कितनी है, इतनी माइनस इतनी ना, तो हमने वो ना करके डायरेक्ट पहले कर दिया, 45 व्यक्ति जो है 6 दिनों तक टॉफी खाते इतनी खत्म हो गई, जो बाकी बची हुई टॉफिया उनको खाने के लिए 30 व्यक्ति और आ गए हैं, तो 45 प्लस 30 75, बाकी जो टॉफिया है वो एन दिन में खत्म हो गई है, ये सब खत्म हो गई है, ये सब टॉफिया खत्म हो गई है, और टॉफिया कितनी थी, इतनी थी, तो बराबर कर दिया, आंसर आ गया, समझ गए आप। चलिए अगला क्वेश्चन है, 40 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 45-25 दिन में समाप्त कर सकते हैं, किंतु 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 दिन में पूरे काम को समाप्त करेंगे, कितने आदमी, ये पूछा है, नंबर ऑफ आदमी पूछा हुआ है। ठीक है भैया, हमको टोटल काम निकालना है,
टोटल काम के लिए नंबर ऑफ व्यक्ति इनटू टाइम, टाइम कितना है 25, मगर घंटे भी आ गए ना, घंटे में चेंज कर देंगे 12। अब सारा कुछ क्या करेंगे, घंटों में हम डिवाइड कर देंगे सब कुछ घंटे में। पहले क्या हो रहा था कि प्रतिदिन कर रहे थे ना, अब क्या करेंगे कि एक व्यक्ति एक घंटे में एक टॉफी खा रहा है, ये अज्यूम कर लेंगे। तो 12 घंटे में कितने खाएगा, 12 टॉफी खाएगा। 40 व्यक्ति कितने खाएंगे, 40 × 12 खाएंगे। ऐसे ऐसे 25 दिनों तक खानी है, हर दिन 12 घंटे हैं, तो 25 से मल्टीप्लाई कर दिया बस। ठीक है, सिंपल सी बात है, टाइम और नंबर ऑफ व्यक्तियों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कार्य आ जाएगा। अगर जो टाइम है उसमें 25 दिन आ गए हैं और डे भी आ गए हैं तो सबको मल्टीप्लाई कर दो। अगर बाई चांस मिनट होते तो मिनट को भी मल्टीप्लाई करते, सेकंड होते तो सेकंड को भी मल्टीप्लाई करते। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे क्या कर रहा है, इतनी टॉफी खानी थी। अब कितने आदमी, मैंने मान लिया एन आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे और 20 दिनों तक काम करके इसको खत्म करना है, इतनी टॉफी खानी है। तो एन व्यक्ति 20 दिनों तक इंटू 8, यानी नंबर ऑफ व्यक्ति इंटू टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल टाइम, टोटल जो कार्य हो गया वो समाप्त हो गया। टोटल कार्य दोनों कंडीशन में एक ही है तो इसलिए बराबर कर दिया, तो डायरेक्ट कट गया 20, ये 40, ये कट जाएगा 4, 4 × 12, तो एन इज इक्वल कितना जाएगा 75 व्यक्ति चाहिए, 75 आदमी चाहिए, तब जाके 20 दिन में काम खत्म होगा, वो भी 8 घंटे करने में। ठीक है, सिंपल सी बात है, फॉर्मूला पढ़ा होगा m1 d1 t1 = m2, ये सब नहीं हमको करना है, सिंपल सी बात है, समझ लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 22 आदमी किसी काम को 18 दिन में करते हैं तो कितने आदमी उसी काम को 12 दिन में करेंगे। ये क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ये जो पहले इसका आंसर बताएगा, पहले 5 स्टूडेंट्स का मैं नाम बताऊंगा कि इन्होंने सही बताया है, इससे फर्क तो थोड़ा ना पड़ता कोई नाम बताने से, मगर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि हाँ मैंने सही बताया है। आज छोटे से यूट्यूब चैनल मेरा नाम ले रहा है, आपके मन में ये आएगा, आज छोटा सा यूट्यूब चैनल मेरा नाम ले रहा है, कल दुनिया मेरा नाम लेगी, भैया ये फर्स्ट रैंक लाया है, ये टॉप 5 में आया है। प्रतियोगिता जो होती है ना, उसमें लगे रहना चाहिए, तब ताकि आपको अपने बारे में मालूम पड़े, आप अपने आप में इम्प्रूव कर सकें। अगर आपको गलतियाँ ही नहीं मालूम होगी, आपकी गलतियाँ क्या क्या हैं, तो कैसे इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, अब ये मत डरिए कि आंसर आपका गलत है या सही है, ये नापी तोलिए मत, जो आपका आंसर है वो लिख दीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 10 आदमी अथवा, ध्यान दीजिए क्वेश्चन, हिंदी में जो क्वेश्चन होते हैं उनमें आप लैंग्वेज समझिएगा, 10 आदमी अथवा या 18 लड़के किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो 25 आदमी एंड है तथा 15 लड़के उसी का उसे कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, इसमें टोटल काम निकाल लेते हैं कि एक आदमी एक दिन में एम काम करता है, तो 10 आदमी कितने करेंगे, 10m करेगा, और 15 दिनों तक कितना काम करेंगे, इंटू 15, ये टोटल काम आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, टोटल काम आ जाएगा। और उसी कंडीशन में ये मान लेते हैं, मैं बेसिक से समझा रहा हूँ, इसके बाद मैं डायरेक्ट करूंगा। इसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, 18 लड़के, एक लड़का एक दिन में बी काम करता है, एक लड़का एक दिन में बी काम करता है, तो बताइए एक दिन में 18 लड़के कितना काम करेंगे, 18 × b करेंगे, और 15 दिनों तक कितना करेंगे, 15 ये करेंगे। ठीक है, तो ये टोटल काम हो जाएगा। अब बोला क्या है ना कि 10 आदमी या 18 लड़के 15 दिनों तक काम करें, वो काम खत्म हो जाता है। इसका कहने का मतलब ये है कि 10 आदमी 15 दिन तक काम करें, वो काम उतना ही होगा जितना 18 लड़के 15 दिनों तक काम करेंगे, तो ये क्या जाएगा, 10 आदमियों के द्वारा किया गया कार्य वही है जो 18 आदमियों के द्वारा है। तो ठीक है, तो इसका मतलब ये सब कट जाएगा, और क्या जाएगा आपका, ये भी कट जाएगा, तो 5 आदमी जो है वो 9 लड़कों के बराबर है, तो ये आप निकाल लेंगे। ठीक है, ये टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, अगला जो वीडियो हम अपलोड करेंगे उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन हाई लेवल के आपको मिलेंगे, ताकि आपका बहुत आसान हो जाए। तो आपको कंडीशन निकालनी होती है ऐसे कि 5 आदमी जो है 9 लड़कों के बराबर है, 9 लड़कों के बराबर है, मतलब 5 आदमी उतना ही काम कर सकते हैं जितना 9 लड़के कर सकते हैं, ये कंडीशन आ गई। चलिए ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है
कि पांच 25 आदमी, 25 मैन प्लस 15 लड़के कितने दिनों तक उस काम को समाप्त कर देंगे, कितने दिनों तक उस काम को समाप्त कर देंगे। तो 25 एम प्लस 15 बी, ये टोटल पर्सन हो गए। और हम जानते हैं टोटल काम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ पर्सन इनटू उनके द्वारा लिया गया टाइम, टाइम मालूम नहीं तो टीम टाइम हो जाएगा। ये क्या आया बताइए सोच के, ये टोटल काम आ गया, ये टोटल काम जो कि इस काम के बराबर होगा या इस काम के बराबर होगा, समझ गए ना। ठीक है, अब इसको हम एक ही कंडीशन में लिख लेते हैं, इसको क्या करते हैं एक ही फॉर्मूले में लिख लेते हैं। जैसे 25 आदमी है, 15 बॉय, हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि 5 × 5 आदमी प्लस 15 लड़के, ये 15 है, इंटू टी, 5 आदमी किसके बराबर है, 9 लड़कों के बराबर है, तो 9 × 5 45 हो जाएगा, तो 45 मैन हो जाएगा प्लस सॉरी बॉय हो जाएगा, क्योंकि 5 एम इज इक्वल टू 9 बी, तो 45 बॉय प्लस 15 बॉय इंटू टाइम, तो ये कितना आ जाएगा 60 बॉय इंटू टाइम आ जाएगा। ठीक है, अब ये टोटल काम किसके बराबर है, इसी काम के तो बराबर है, तो इस काम को इसके बराबर कर दिया, 18 बी इंटू 15 बी, बी से कट गया, 15 चौका 60 हो गया, और ये टाइम कितना हो गया 18/4 आ जाएगा, टी इज इक्वल टू 18/4, मतलब 4 से 1/2, 4.5 दिन लगे हैं, समझ में आया। ये तो समझाने के लिए मैंने ऐसे बताया है, अगर डायरेक्ट आप सॉल्व करेंगे बहुत इजी है, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं देखिए, अब एग्जाम में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आप, एक दिए हुए 10 आदमी अथवा 18 लड़के किसी काम को 15 दिन में करते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब 10 आदमी का जो काम है वो 18 बॉय के बराबर है, मतलब 5 आदमी इज इक्वल टू किसके हैं, 9 लड़कों के बराबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोल रहा है, 25 आदमी और 15 लड़के कितने दिनों में उसी काम को कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 25 आदमी मतलब 5 आदमी अगर 9 लड़कों के बराबर है, तो 25 बजे 25, 9 × 5 45, 45 लड़के हो जाएंगे, 25 आदमी जो है 45 लड़कों के बराबर हो जाएगा, 45 लड़के तथा 15 लड़के 60 लड़के हो जाएंगे, कितने 60 लड़के, उनके लिए द्वारा लिए गए टाइम कितना है टी, तो ये टोटल काम आ जाएगा। अब टोटल काम हम यहाँ से निकाल लेंगे कि 18 लड़के वो टोटल काम 15 दिन में करते हैं, तो लड़कों की संख्या इंटू 15 ये हो जाएगा, बस बराबर कर दिया, आंसर आ जाएगा टी इज इक्वल टू 4 से 1/2, डायरेक्ट ऐसे करेंगे। ठीक है, वो तो समझाने के लिए मैंने किया था, होप समझ में आ गया होगा आपको, आपको ये बैकग्राउंड देख के लग रहा होगा मंगल पांडे का, तो ये एक्चुअली मैंने वीडियो बनाने के लिए ये बैकग्राउंड बनाया है, इसके बाद आपको वीडियो अपलोड हो जाएगा, शाम तक हो जाएगा या थोड़ा टाइम लग सकता है, 1857 की क्रांति ये वीडियो अपलोड करूँगा, क्योंकि आप सभी का बहुत बार कमेंट आ रहा है कि 1857 की क्रांति के लिए, तो मैं इसके बाद 1857 की क्रांति वीडियो अपलोड करूँगा, हमारे साथ बने रहिए, आपको जल्दी वीडियो मिल जाएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सारे वीडियो आपको आसानी से मैसेज के थ्रू मिलते रहें। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, कार्य और समय, वर्क एंड टाइम, टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चन थे। इसके बाद वाले वीडियोस में हम इस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जिसमें 10 आदमी 18 लड़कों की जगह अब कुछ और जुड़ जाएंगे, जैसे महिलाएं भी जुड़ जाएंगी, तो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होंगे उनको, मगर हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर देंगे। अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो वीडियो, तो लाइक करके हमें बताइएगा कैसा लगा, कमेंट भी कीजिएगा, जल्दी से कमेंट करके अपना आंसर पहले बताइएगा हमें, आप सभी कमेंट कीजिएगा हमारे वीडियो पे, बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं कि वो हर वीडियो में कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, जैसे कुंदन कुमार यादव हैं, हिमांशु कुमार हैं, ये सब बहुत बार कमेंट हर वीडियो में रिकमेंड करते हैं, मैं उनका कमेंट पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, तो आप भी कमेंट कीजिएगा, तो आप भी कमेंट किया कीजिएगा प्लीज़। आपके स्क्रीन पर 4 वीडियो हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, ये देख लीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा हमारे वीडियो को। ठीक है, हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।